तो गाइस आज की वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि अगर आपके फोन्स में कोई भी लोकल मैसेज आता है या व्हाट्सएप मैसेज आता है या कोई भी नोटिफिकेशन आता है अगर आप उस नोटिफिकेशन पर कोई भी सॉन्ग लगाना चाहते हो तो या रिंगटोन लगाना चाहते हो तो कैसे लगा सकते हो, यही आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो गाइस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही टेक से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो आज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि अगर आपके पास कोई भी मैसेज आता है या नोटिफिकेशन आता है तो आप उस पर जो है रिंगटोन या कोई भी जो है सॉन्ग कैसे लगा सकते हैं। तो करना क्या गाइस, जैसे जैसे मैं आपको प्रोसेस बताऊँगा सिंपली उसी प्रोसेस को क्या करना है फॉलो करना है। तो करना क्या गाइस, सबसे पहले आपको आ जाना है, यहाँ पे सेटिंग को ओपन कर लेना है। आप यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करके भी सेटिंग को ओपन कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पे सेटिंग लिखा होगा आपके फोन्स में तो आप उस सेटिंग को जो है ओपन कर सकते हैं। देखना है आपके फोन्स में सेटिंग कहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे फोन्स में यहाँ पे सेटिंग दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ इस पर जो है क्लिक कर लेता हूँ। इतना भी क्लिक करने के बाद करना क्या है, थोड़ा सा नीचे आपको स्क्रॉल करना है, और जैसे नीचे स्क्रॉल करना है तो हर एक फोन्स में यहाँ पे दिया रहता है साउंड एंड वाइब्रेशन, ठीक है। तो करना क्या है, हमको यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन पे जो है क्लिक कर लेना है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है साउंड एंड वाइब्रेशन, ठीक है। यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया हुआ है, नोटिफिकेशन, रिंगटोन और अलार्म। तो आप किस पे जो है यहाँ पे रिंगटोन लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे करना क्या गाइस, मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन पर लगाना चाहता हूँ यानी मैसेज पे लगाना चाहता हूँ। तो करना क्या, यहाँ पे नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, और जैसे नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या, आप अगर आपके फाइल में कोई भी रिंगटोन है तो यहाँ पे चूज लोकल रिंगटोन पर क्लिक करके लगा सकते हैं। और यहाँ पे भी बहुत सारा रिंगटोन दिया हुआ है, चाहे तो इसे लगा सकते हैं, लेकिन करना क्या, यहाँ पे मेरे पास जो मेरे फाइल में एक रिंगटोन है, मैं उसको क्या करता हूँ यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर क्लिक किया और मेरे फाइल्स में जो है वो रिंगटोन है जो मैं रिंगटोन लगाना चाहता है, ठीक है। तो करना क्या, यहाँ पे रिंगटोन आ गया, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते होंगे इसी रिंगटोन को मैं क्या करना चाहता हूँ, लगाना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। नीचे यहाँ पे ओके लिखा हुआ है, ओके पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है, फिर जो भी रिंगटोन आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे इसी रिंगटोन को लगाना चाहते हैं, तो और यहाँ पे लिखा हुआ सिलेक्ट टोन, वहाँ पे सेलेक्ट दिस रिंगटोन, ओके पे क्लिक करेंगे, ये सॉन्ग जो है अप्लाई हो चुका है। तो गाइस इस प्रकार क्या कर सकते हैं, अगर आपके फोन में मैसेज आता है तो उस मैसेज पे जो है रिंगटोन लगा सकते हैं या गाना को जो है लगा सकते हैं। तो गाइस वीडियो मेरी आप लोग को अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।